टाइम दे देंगे। हाँ जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं मेरे पीछे हीरो का शोरूम है। तो आज हम लोग बाइक खरीदने आए हैं और बाइक का क्या है क्या नहीं है वो मैं आगे बताता हूँ। बाकी आज हम लोग जो बाइक देखने आए हैं वो हीरो की एक्सट्रीम 125 है, जो कि अभी नया मॉडल लॉन्च हुआ है। और अभी क्या है कि वो मॉडल अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, रिलीज़ नहीं किया है कि अभी वेटिंग में, अगर उसको बुक करेंगे तो हमें हफ्ता भर बाद मिलेगी। बाकी ये बाइक तो लेनी है और विद इन अ वीक हम लोग इस बाइक को निकालेंगे। बाकी यहाँ पे हम लोग 125 तो नहीं देखने को मिली, हम लोग को जो एक्सट्रीम की 160 है वो देखने को मिली, बट उसका मॉडल कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। और जो 125 है उसके मुकाबले 160 का मॉडल कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हम लोग तो 125 लेने आए थे और 125 ही लेंगे इंशाल्लाह। और इसका शोरूम जो ऑन रोड प्राइस आ रहा है वो 125 आ रहा है, और देखते हैं उसके बाद क्या होता है क्या नहीं है। बाकी अभी तो अपने आयु फोन में लगे हुए हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग दूसरे शोरूम जाएंगे और वहाँ पता करेंगे कि वहाँ की क्या वेटिंग आ रही है क्या नहीं है। तो चलते हैं दूसरे शोरूम। भाई अभी हम लोग का मूड चेंज हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं भाई रॉयल एनफील्ड के शोरूम जा रहे हैं, और हंटर जो गाड़ी है वो पता करेंगे उसका ऑन रोड और एक शोरूम प्राइस क्या है। भाई का मूड बदल गया है, अब भाई हंटर लेगा। डरी जाके अभी हम लोग रॉयल फील्ड और हीरोज के शोरूम से दोनों से आ रहे हैं, और हम लोग को जो गाड़ी पसंद आई थी पहले तो एक्सट्रीम 125 आर पसंद थी, उसका कोटेशन लेके आए जो कि है हमारे पास। और फिर हम रॉयल एनफील्ड शोरूम गए थे, उसका भी हमारे पास कोटेशन है। और अभी हम लोग इस बारे में आपको बताते हैं कि हमारे साथ आज क्या हुआ। आयुष भाई हमारे साथ हैं, हमारे चीफ ऑनरेबल गेस्ट हमारे। तो भाई अभी हमारे पास आयुष भाई साथ में हमारे, और अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस रॉयल एनफील्ड और हीरोज एक्सट्रीम की गाड़ी के ऊपर। भाई हमारी चॉइस है हीरोज की एक्सट्रीम 125R, और जो फिर बाद में हमारे डिस्कशन वही शोरूम के बाहर हम लोगों ने डिस्कस किया कि रॉयल एनफील्ड का एक्सट्रीम भी हम लोग देख सकते हैं। तो भाई पहले हम एक्सट्रीम का बताते हैं, आयुष भाई बताइए एक्सट्रीम का क्या है इसमें मामला। हमने एक्सट्रीम देखने गए, एक्सट्रीम नहीं रॉयल एनफील्ड, पहले हंटर को बताना पहले। हाँ पहले हंटर। तो देखिए हम लोग हंटर देखने गए, तो ये हम लोग को एक्स शोरूम प्राइस 170 के पर आई है, 1,70,000 की, जिसमें रजिस्ट्रेशन वैसा सब मिला के फाइनली हम लोग को 2,20,000 रुपये की पर आई है, जिसको हम लोग परचेज करने वाले हैं कैश पे। अगर लेते हैं तो 2,20 की पड़ेगी। फिलहाल कलर रहेगा इसका मेटल ब्लैक, नहीं सॉरी मेटल ग्रे, जिसको डीपर कलर बोलते हैं, डीपर, ठीक है, डीपर कलर। हाँ हंटर 350, ये हंटर लेते हैं। देखिए ये प्राइस जो दिख रहा है 2,17,900 समथिंग, ये प्राइस आपको कानपुर, उत्तर प्रदेश कानपुर में आपको मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ हीरोज मोटर की एक्सट्रीम जो 125R जो निकली है नई मॉडल में वो।
जो एक्सट्रीम आ रहा है उसका ऑन रोड प्राइस विद एबीएस सिंगल चैनल के साथ जो मतलब एकदम टॉप वेरिएंट आता है वो 125,000 का पड़ रहा है ऑन रोड, जो कि इस प्राइस पर हमने ये बाइक तो बिल्कुल भाई परफेक्ट है। और जिसके इसके साथ इसके स्पेसिफिकेशन देखे जाए तो बहुत बढ़िया है, मतलब सिंगल एबीएस भी दे रहे हैं और 125 सीसी है और 60 का माइलेज भी दे रहा है और फ्यूल इंजन भी इतना बड़ा है और मॉडल ग्राफिक्स भी इतने बढ़िया बढ़िया है। आपको एक शोरूम पड़ती है 99,600 रुपए की, और जो 99,600 ये आपका एक शोरूम प्राइस है, फिर इसके बाद इंश्योरेंस वगैरह ये आपका पड़ता है अप्रॉक्स 9,000 रुपए का। ये ऑन रोड आपको पड़ जाएगी 1,12,000 समथिंग की ऑन रोड पड़ जाएगी सब कुछ करा के आपका, और 1,25,000 का टॉप मॉडल टॉप वेरियंट। इसमें आपको अगर आप चाहें तो इसमें हीरोज के गुड्स लाइफ होती है, इसमें इन्होंने बताया कि हीरोज की गुड लाइफ होती है, इसमें हेलमेट मिलेगा, एक्सेसरीज मिलेगी, अगर आप चाहो तो ये ले सकते हो, ये ऑप्शनल होता है अगर आप चाहोगे तो। तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो भाई ये बाइक बहुत परफेक्ट बन रही है, तो हम लोग का डिसीजन इस टाइम पेंडिंग हो गया क्योंकि भाई हम लोग को रॉयल एनफील्ड की हंटर भी बहुत पसंद आई थी क्योंकि बहुत पहले की है ये गाड़ी, और फिलहाल तो एक्सट्रीम पे हम लोग अटके हुए हैं कि ये ले या रॉयल एनफील्ड ले। एक्चुअली डिसीजन इसलिए पेंडिंग है ना क्योंकि जो हम लोग एक्सट्रीम हीरो एक्सट्रीम देखने गए थे 125, वो हम लोग को शोरूम पे मिली नहीं, वो मिलेगी हम लोग को एक हफ्ता बाद बुकिंग के बाद 1 हफ्ता बाद मिलेगी। तो एक्चुअली 1 वीक के लिए हम लोगों ने होल्ड कर रखा है जब तक ये कानपुर में अवेलेबल नहीं हो जाती है, बाकी देखेंगे दोनों कंपेयर करेंगे चला के, जिसकी ज़्यादा अच्छा लगेगा जिसका माइलेज एवरेज मेंटेनेंस उसको ही परचेस करेंगे हम लोग, पर चांसेस ज़्यादा ये हैं कि हम लोग एक्सट्रीम 125 तक जाएं, क्योंकि इसका न्यू लुक न्यू प्राइस 125 में एबीएस फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट बाइक है जो 125 में एबीएस दे रही है। फिलहाल जितना हम लोग को नॉलेज है ये इंडिया की पहली है 125 सीसी में एबीएस। इसमें हीरो क्लब से एक सबसे खास चीज दी गई है जो है RAS, जिसका चार्ज ले रहा है 455। इसमें खासियत ये है कि आपकी बाइक जैसे हाईवे पे है कहीं भी दूर है कुछ भी दिक्कत आ जाती है, तो इसमें हीरो कंपनी कह रही है क्लेम कर रही है कि अगर कहीं भी आपकी दिक्कत होगी तो वो आपके पास आएंगे मैकेनिक लेके आपकी गाड़ी वहीं पे बनवाएंगे, वहीं पे बनाएंगे या वहां से आपको शोरूम लेके जाएंगे, वहां पे आपकी गाड़ी ठीक करेंगे, फिर आपको जो हंटर या रॉयल एनफील्ड नहीं दे रहा है भाई ये हीरो दे रहा है, बस इसलिए थोड़ा सा हम लोग का मन ज्यादा है इसमें। बाकी इस गाड़ी की तारीफ तो भाई सब कर रहे हैं क्योंकि इसकी इस गाड़ी की कंपैरिजन हो रही है टीवीएस की राइडर से, और राइडर बाइक मात था गई यहाँ पे क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म जो एक्सपीरियंस था वो काफी खराब निकला है फिलहाल। एक्चुअली इसका एग्जॉस्ट और इसके एग्जॉस्ट में बहुत एयर कूलिंग इंजन लगा हुआ है, जिस भी चार्जिंग वगैरह जितनी भी फैसिलिटीज आजकल जब से जो आ रही है सब मिल रही है। और भाई ये न्यू लुक है काफ़ी अच्छा, इसकी कॉपी की गई है BMW डुकाटी से। बाकी जब हम लोग उसको ये जब कानपुर में आ जाएगी हम लोग उसको देखने जाएंगे, जिसकी वीडियो हम लोग जरूर बनाएंगे, और अगर ये बुक हो जाएगी लेके आएंगे तो आप रोजी इसका बताओगे। बाकी अभी कल परसों हम लोग फिर दूसरे शोरूम जाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे, अगर ये गाड़ी होगी तो उसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे और उसका भी ब्लॉग शूट करेंगे। बाकी ये ब्लॉग हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, छोटा सा ब्लॉग सोचा था बनाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर, पहली बार बोला है कब ने।